हरे कृष्ण। लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आज मैं बताऊंगा कि जो आज दिन है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसका क्या महत्व है और भगवान शिव से इसका क्या कनेक्शन है और इसके पूजा पाठ करने से, व्रत करने से जातक को या जो व्रती होते हैं उनको क्या लाभ मिलता है। तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति क्या करता है कि शादी विवाह ढूंढता है, तो शादी विवाह ढूंढने में कभी लड़का मिलता है तो लड़की नहीं, लड़की मिलती है तो लड़का नहीं, अगर सब कुछ मिल गया तो घर नहीं, अगर देखा जाता है कि योग्य नहीं मिलता। और मंगल दोष होने के नाते कुंडली में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मंगल प्रदोष का व्रत रखने से आपको चतुर्दिक फायदे मिलते हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रहा है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है और उसके नाते व्यक्ति को लीगल परेशानी या किसी भी फ्रंट पर अगर उसको परेशानी चल रही है, तो उनकी धर्मपत्नी या खुद में मंगल प्रदोष व्रत रहने से उनको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलता है। इसमें भगवान शिव का और मंगल का पूजा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आज बन रहा है मंगल प्रदोष का योग, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। यह अगहन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत करना जाता है, जो बहुत ही अच्छा रहता है। इस व्रत से इस बार यह जो मंगलवार होने से इस प्रदोष का नाम मंगलवार प्रदोष कहा जाता है, जो बहुत ही शुभ योग बन रहा है। मंगलवार को इस विधि से करें शिव जी की पूजा कि भगवान भोलेनाथ खुश हो। तो व्रत और पूजा की क्या विधि है आइए मैं आपको बताता हूँ। प्रदोष में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फल आप खा सकते हैं, फलाहारी रह सकते हैं और इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्लो पत्र, गंध, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची श्रद्धा के साथ चढ़ावें। शाम को क्या करना चाहिए कि शाम को समय विचार करके और स्नान करके इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। 8 दीपक जलाएं जो 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। रात्रि में क्या करें, रात्रि जागरण करें और शिव जी के मंत्रों का जप करें। इस तरह व्रत का पूजा करने से जो व्रती होते हैं, जो व्रत करने वाले होते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। और भगवान शिव का मंत्र आप सिंपल सा जो पुरुष हैं वो करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग करें। और जो खास तौर से महिलाएं हैं वो पढ़ें नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें और श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव या मंगल दोष का जो भी प्रभाव है उससे आपको जातक को मुक्ति मिलेगी। और यदि कुंडली में मांगलिक दोष है उससे भी आपको राहत मिलेगी। और यदि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अशुभ फल, ये क्या करता है कि इस व्रत को रहने से अशुभ प्रभाव शुभ में बदल जाता है। तो ऐसा करने से जैसे मान लीजिए मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक क्षति हो रही है, दुर्घटना हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, संतान होने में दिक्कतें हो रही हैं, दाम्पत्य जीवन में कटुता है, छोटे छोटे बात को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में इस मंगल प्रदोष व्रत का करने से आपके परिवार पर देवाधिदेव महादेव की अति कृपा होगी, जिसके नाते आपका परिवार सुख समृद्धि शांति से व्यतीत होगा। घर में शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगा और घर में एकता का माहौल रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत में जो मंगल प्रदोष है, पूजा करने से देवाधिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं और ये करके अपनी ग्रह दशा को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो आज है 11 दिसंबर 2018, दिन है मंगलवार, चतुर्थी तिथि है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मकर राशि में,
और आपका जो शुभ समय है वो है 11:53 से लेके 12:34 अपराह्न काल तक रहेगा, और राहु काल है 2:47 से लेके 4:04 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। तो मैंने आपको बताया कि आज कौन सी तिथि है, शुभ मुहूर्त कब है, राहु काल कब है, किस दिशा का दिशाशूल है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों का कि उनका कैसा होगा भविष्य, उनको क्या लाभ मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगी, इसके बारे में बताऊंगा, और उनको कैसे अपने जीवन को चैनलाइज करना है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज ही 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर के जो जातक जन्म लिए हैं आज उनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है सभी लोगों को ढेर सारे जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, और जो भी आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं कि आपको सफलता मिले, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके लिए सुखद हो, शुभद हो, और जो भी आप प्रयास करते हैं उसमें आपको भारी सफलता मिले, ख्याति मिले और चतुर्दिक विकास हो। अब हम बात करेंगे कि जो 11 दिसंबर के जन्मे जातक होते हैं उनका यह वर्ष कैसा रहेगा। तो जो 11 दिसंबर के जन्मे जातक हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने एकेडमिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी सोच को फोकस करके, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को टास्क ओरिएंटेड होके अगर करते हैं तो आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी। करियर के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा, प्रगति होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा और चतुर्दिक विकास से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये प्रथम 4 महीने आपके लिए बहुत ही हिस्टोरिकल होगा। इसमें लगातार इम्प्रूव करेंगे, प्रगति होगी, घर, जगह, जमीन खरीद सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और आपके प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा आपको धोखा मिल सकता है। तो इसमें जो भी आपकी प्रेम पेंगे हैं बहुत ही अलर्ट होकर रखना है, ये ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं उस व्यक्ति का मेंटल टेम्परामेंट क्या है। तो खास तौर से अगर आपके मेंटल वेवलेंथ का है तो इस चीज़ को कंटिन्यू करें, अगर मेंटल वेवलेंथ नहीं मिलता है तो आपके लिए तनाव का, दुखों का कारण बन सकता है, तो वहाँ से बेहतर होगा आपको निकलना। मई, जून, जुलाई, अगस्त आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपकी प्रगति होगी, मान सम्मान मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिल सकता है आपको। खास तौर से जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, जो अंतिम 4 महीने हैं वह चतुर्दिक विकास के लिए जाना जाएगा और आपकी प्रगति के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने आपको बताया कि आज के दिन जो जन्मे जातक है उनके लिए यह वर्ष कितना महत्वपूर्ण होगा, कैसा होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं तो आपके प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। आपकी भाग्य से सारे मुश्किल कार्य पूरे होंगे, जो भी कठिन कार्य है उसको पूर्ण होने का समय चल रहा है। नौकरी के लिए आपका सर्वोत्तम समय चल रहा है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, चारों तरफ से आपको लाभ होगा, धन धान्य के क्षेत्र में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ आपका अच्छा होगा। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा है, तो विद्यार्थियों के लिए समय पढ़ाई के लिए, करियर के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपका मकर का दशम भाव में, आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा केतु बैठा हुआ है। तो चंद्रमा केतु दशम भाव में बैठे तो आज आपको अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। जिस संस्था में आप काम करते हैं तो आपके जो ऊंचे पद पर या निम्न पद पर जो भी जातक हैं उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वाद विवाद करने से बचना है, कटु भाषा का प्रयोग करने से बोलना, आप कई चीज़ें क्या होता है कि आपको दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो थोड़ा सा अपने संबंधों को ध्यान रखना है। माता पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है कि बुद्धि से काम लें और किसी प्रकार का वाद विवाद न करें। उच्च पद मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, इसकी संभावनाएँ बन रही हैं और चंद्रमा सीधे फोर्थ हाउस को देख रहा है। तो फोर्थ हाउस के देखने से क्या होता है कि आपको माता का सुख मिलेगा, नया व्यापार कर सकते हैं, इस तरह की संभावनाएँ दिख रही हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, कटु भाषा का प्रयोग करने से बचना है। आपको उपाय क्या करना है, तांबे के रंग का वस्त्र दान करना आपके लिए हितकर होगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग लाल है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।
अब हम बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि लेखन कार्य से आज आपको धन लाभ हो सकता है। जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार में शुभ कार्य, निर्माण कार्य, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है उसको होने की संभावनाएँ बन रही हैं। आज आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगा और प्रगति के ढेर सारे अवसर मिलेंगे जिसमें प्रगति हो सकता है। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन से आज आपको लाभ मिलेगा। और जो वृष राशि के जातक है, आज आपको यह ध्यान रखना कि आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा केतु है, तो आपका मन अकारण तनाव में रहेगा, चिंतित रहेगा, लगेगा कि कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रयास करेंगे आपको भाग्य से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, परिवार में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं वो कार्य होगा। ध्यान रखना है कि तेज गति की गाड़ी नहीं चलाना है। अगर कृषि योग्य भूमि खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, जगह जमीन खरीद सकते हैं, इसके लिए अच्छा समय चल रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने मन स्थिति पर, गुस्से पर काबू रखना है, नियंत्रण में अपने को रखना है। और उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय ये करना है कि खीर, पंचमेवा का खीर बनावें और प्रसाद रूप में अर्पित करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, आज आपको नए रोजी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। नए व्यापार से आज आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन वापस आएगा। आज आपको अनेक प्रकार के कार्यों से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार में नए मेहमान आ सकते हैं, शुभ कार्य हो सकता है, उसकी संभावनाएं बन रही हैं। चतुर्दिक लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो जो मिथुन राशि के लोग हैं, जो जातक हैं, आज आपका जो चंद्रमा केतु है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यदि आप विदेश से, समुद्र के किनारे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की जब सोच रहे हैं, विदेश में होटल बनाने की बात सोच रहे हैं, विदेश में घर लेके घर बनाने की बात सोच रहे हैं, जमीन लेके घर बनाना चाहते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का प्रबल समय चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, माता और पत्नी के संबंधों को मजबूत रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहनों के लिए अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए शुभ समाचार मिलने की संभावनाएँ दिख रही हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच नहीं सोचना, नकारात्मक सोच से आज आपको बचना है। उपाय क्या करना है, उपाय करना है कि गाय को हरा चारा, हरा मटर खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आसमानी है और लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज आपको अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको चारों तरफ से सफलता मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। जो शिक्षार्थी हैं, विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, उनके एकेडमिक कैरियर के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा होगा। आज आपको ध्यान रखना है कि शत्रुओं की साजिश नाकाम होगी, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो आज इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं, तो कर्क राशि की जो जातक हैं, आपका मकर राशि का केतु और चंद्रमा सातवें हाउस में बैठा हुआ है, तो आज थोड़ा सा पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। और चंद्रमा केतु जब भी एक साथ बैठता है तो व्यक्ति की नेगेटिविटी बढ़ जाती है, व्यक्ति अपने नेगेटिव थॉट से परेशान रहता है, रस्सी को सांप समझता है, सांप को रस्सी, तो भ्रम में रहता है। तो आज आपको भ्रम से निकलने की जरूरत है और सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है, और जो आपके अंदर ऊर्जा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगावें। जो भी आपकी सोच है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको आप कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, उसका प्रबल समय चल रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जो भी आपकी ऊर्जा है उसको पॉजिटिव और सही दिशा में लगाना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, चींटियों को चीनी और आटा अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आज आपको नए तरह के कारोबार से लाभ मिल सकता है, रोजी रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, विदेश से नया कारोबार, नया काम कर सकते हैं, उसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। साहित्य के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलने के साधन मिलेंगे और न्यायालय से आज आपको सफलता मिल सकती है, उसका प्रबल योग चल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि वाद विवाद, झगड़े इत्यादि से बचना है, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आपको ये ध्यान रखना है कि केतु और चंद्रमा छठे भाव में होने से आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, हिडन शत्रु बढ़ेंगे, कॉन्स्पिरेसी लोग करने वाले होंगे, लेकिन
आपको ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अच्छा रखेगा, सोच आपकी बहुत अच्छी होगी, तो अपनी पॉजिटिव सोच से अपने अच्छे कर्म से अपने को निकल लेंगे। और आज आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। और आज आपको ध्यान रखना है कि एक तो हार्डवर्क करें, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करें, वाद विवाद से बचें, परिवार में बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनको थोड़ा सा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, और उनको इमोशनल, मेंटल, मॉरल जितना सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी, सावधानी बरतने की बेवजह गुस्सा नहीं करना, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, सूर्य देव की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और मंत्र लिख लीजिए, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग लाल है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको लेखन कार्य से, साहित्य के क्षेत्र से अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए आपका अच्छा समय चल रहा है। संतान सुख मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। खासतौर से जो शिक्षा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो शिक्षार्थियों के लिए अच्छा समय चल रहा है। और जो विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, उनके लिए अच्छा समय चल रहा है। आज आपको अपने क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा, ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलने की संभावना दिख रही है। तो जो कन्या राशि वाले जातक, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका केतु चंद्रमा पंचम हाउस में, तो एक तो संतान से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, संतान को मेंटल मॉरल सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको देखना है कि उनकी जो सोहबत है, संगति है, कैसे लोगों के साथ है, तो उस पर थोड़ा सा पैनी दृष्टि रखने की ज़रूरत है। बच्चे ही घर के भविष्य हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ताकि मार्गदर्शन से बच्चों के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा, तो उसका ध्यान रखना है। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें अच्छा रहेगा। जो भी निर्णय लें, सोच समझ के निर्णय लेना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, सम्मी का पौधा लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग से ग्रीन है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले लोग हैं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए या नौकरी के क्षेत्र में या कॉरपोरेट में अगर एफर्ट करते हैं, तो उसमें नौकरी मिलने की संभावना प्रबल बन रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आज आपको फायदा हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो जो खास तौर से तुला राशि के जातक हैं, आज आपका एक तो बृहस्पति, बुध और सूर्य आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके नए व्यापार से लाभ मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, और नए प्रकार की किसी प्रकार की प्लानिंग कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संबंधों में सुधार आएगी, और घर परिवार की प्रगति के लिए बेहतर समय चल रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र आज आप दान करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें अच्छा रहेगा। और शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको नए तरीके के अवसर मिलेंगे, व्यापार करने के लाभ मिल सकते हैं, और चारों तरफ से लाभ के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। शुभ कार्य होने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। भाई बहनों का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, नए उद्योग धंधे लगा सकते हैं, उसके लिए बेहतर समय चल रहा है। तो खासतौर से जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आपका चंद्रमा केतु तीसरे भाव में, एक तो पारिवारिक फ्रंट पर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। आपको लगेगा कि नई नई चुनौतियां आ रही, लेकिन ये चुनौती पर आप चुनौती को स्वीकार करते हुए सारे समस्याओं का समाधान करते आप आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक फ्रंट पर आपका यश मिलेगा, ख्याति बढ़ेगी, और जो भी आपकी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको पूर्ण करने में आप सफल रहेंगे। भाई बहनों के लिए अच्छा समय चल रहा है, उनको नौकरी मिल सकती है, इसके लिए प्रबल संभावना चल रही है। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने खर्चे को थोड़ा सा बैलेंस करना है, नियंत्रण करना है, ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, कुश, आपने देखा होगा कुश और गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग लाल है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनुराशि के। धनुराशि का स्वामी होता है बृहस्पति। तो आज आपके प्रकृति के ढेर सारे अवसर मिलेंगे, आज आपको लाभ मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, और आज आपको नई सरकारी नौकरी मिल सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है,
कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है। यदि आप संपादकीय कार्य में रुचि रखते हैं तो उसमें आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ललित्य कला में जो लोग रुचि रखते हैं तो उनको स्केचिंग, पेंटिंग, नए तरीके से या डायलॉग से या कहानी लिखने से अच्छा लाभ मिल सकता है, धन लाभ की स्थिति अच्छी हो सकती है, उनकी एक अलग पहचान बन सकती है, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। देश विदेश की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है, आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना अत्यधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद होगा, जितना रिस्क लेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद है, फायदेमंद है। और जो खास तौर से वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आपका चंद्रमा केतु परिवार भाव में, तो आपकी जो भी पारिवारिक दायित्व है उसमें सफलता मिलेगी। भाई बहनों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, परिवार को लेकर आपके मन में तमाम तरह की जो संकटें हैं, दिक्कतें हैं, समाप्त होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, इसके लिए बेहतर समय चल रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना है। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 माला जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग स्लेटी है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको प्रतिदिन छोटे छोटे कोई ना कोई रोज उपाय बताते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि जब किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है या मांगलिक दोष के नाते शादी अच्छी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं उसके लिए, और दूसरे जिनकी शादी हो गई है और दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण माहौल है, आपस में पति पत्नी में बन नहीं रहा है, मेंटल वेवलेंथ एकदम नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आज मंगल प्रदोष व्रत है, तो आज ही से भगवान शिव की आराधना करें और मंगल प्रदोष का व्रत रखें। इस तरीके से इसके बाद जो भी मंगल पड़ेगा आप प्रत्येक मंगलवार को व्रत रहें और हनुमान जी की पूजा करें। और इस तरीके से अगर 21 मंगलवार आप करते हैं तो जो शादी में विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, और जो आपस में दाम्पत्य जीवन में कटुता है वो कटुता दूर होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के। जो मकर राशि वाले लोग हैं आज आपको ध्यान रखें, आपको आज अच्छी नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रगति हो सकता है, प्रमोशन के प्रबल संभावनाएं बन रही, नया व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए सुंदर अवसर प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य का भी योग बन रहा है, रोग और शत्रु पराजित होंगे, नए कार्य से लाभ मिलेगा। और जो मकर राशि वाले जातक हैं आपके लग्न में केतु चंद्रमा होने के नाते आपका अकारण मन चिंतित रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा और भ्रम की स्थिति में रहते हैं, तो आप भ्रम को दूर हटाइए, अपने लक्ष्य के प्रति लग के करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, और क्या करें कि मंदिर में चांदी का सिक्का या किसी अपनी बहन को या माँ को अगर गिफ्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अत्यधिक खर्च करने से बचना है। उपाय क्या करना है, सुहाग का सामान या सुहाग की वस्तु मंदिर में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग स्काई ब्लू है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं आज आपके परिवार में प्रबल कार्य, प्रबल शुभ कार्य होने का योग बन रहा है, प्रबल संभावनाएं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी बन रहा है, रोजी रोजगार के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, भाई बहनों की सुख में वृद्धि होगी, उनको नया नौकरी मिल सकता है, परिवार में नया कुछ हो सकता है, परिवार में अगर कोई अविवाहित व्यक्ति है तो उसकी शादी का भी अच्छा समय चल रहा है, नया व्यापार कर सकते हैं, नया कार्य कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है आपका। और आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, तो आप उस समय को कैसे लाभान्वित करेंगे उस पर आपको ध्यान रखना है। और स्थानांतरण के साथ साथ प्रमोशन होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं आज आपको ये ध्यान रखना है कि तो आज आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करना है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है तो यात्रा आपके लाभप्रद होगा, तो यात्रा का सदुपयोग करना आपके लिए हितकर होगा, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, हिडन कई ऐसे शत्रु होंगे जो आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपने विवेक से अपनी बुद्धि से हर जगह अपने को प्रभावी होंगे और आपका प्रभाव बढ़ेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी में अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। जो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले लोग हैं आज आपको ध्यान रखना है कि भावुकता में आके, भावेश में आके कोई कार्य न करें, नुकसान हो सकता है, जो भी करते हैं सोच समझ करके अच्छा निर्णय लेके करना आपके लिए हितप्रद रहेगा।
कोई भी नया कार्य कर सकते, उसके लिए बेहतर समय चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय चल रहा, आर्थिक लाभ होगा। अपने समय का सदुपयोग करना आपके लिए हितकर रहेगा और समय आपके अनुकूल है। जो भी परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपकी तो पांडित्य कर्म में रुचि होगी, लेखन कार्य बढ़ेगा और कीमती सलाह से पैसा कमाएंगे। जो भी कई से महत्वपूर्ण कार्य होगा जो बहुत दिन से रुका हुआ मिलेगा। संतान सुख मिलने की संभावनाएं दिख रही, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। सावधानी क्या बरतनी, अपने कीमती समय को बर्बाद न करें। उपाय क्या करना है, मौलेश्वरी का आपने देखा होगा पौधा, तो मौलेश्वरी का पौधा भगवान शिव को बहुत पसंद है, तो उसको अपने दरवाजे पर लगाते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 माला 11 माला जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पिंक है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि मंगल प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, देवाधिदेव महादेव से उसका क्या कनेक्शन है। अगर आप मंगल प्रदोष व्रत रहते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल का खराब प्रभाव, जो अशुभ प्रभाव है, वो शुभ फल में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बारे में हमने आपको बताया। और मंगल के प्रभाव के नाते यदि दाम्पत्य जीवन खराब है, कटुता है, तो वो ठीक हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते आपको बता दें कि कल कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, नक्षत्र क्या है। आइए आपको बताते हैं, कल है 12 दिसंबर 2018, दिन है बुधवार, तिथि है पंचमी, जो रात 11:07 तक रहेगा। नक्षत्र है श्रवण, जो शाम 4:36 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मकर राशि में। खरीदारी के लिए कोई समय नहीं है। राहु काल है 12:14 से लेके 1:32 अपराह्न काल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशा शूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्णा।